हमने सीखा था अक्षरों को जोड़कर लिखना और स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन को क्या कहते हैं और वर्ग कितने हैं व्यंजन के, ये सभी हमने पिछली क्लास में ही जान लिया था। अभी हम जानेंगे संज्ञा, व्याकरण में से हम जानेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं यहाँ पे हम अभी लिखेंगे, ठीक है। संज्ञा जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, अभी आपको भी उसी तरीके से लिखना है। संज्ञा, संज्ञा यानी कि किसी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी प्राणी या गुण गुण को सूचित करने वाले सूचित करने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी या गुण को या भाव को सूचित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए टेबल या मेज कहिए, ठीक है, मेज कलम बिल्ली आगरा आगरा प्रेम, ठीक है, ये हो गए उदाहरण के लिए, ठीक है, ये हो गए उदाहरण के लिए। अभी देखिए राम जो है वो व्यक्ति है, ठीक है, और टेबल जो है, कलम जो है ये वस्तु है, यस। उसके बाद स्थान जो है, स्थान यानी जगह, प्लेस जो है वह है आगरा, आगरा कह सकते हैं, बेलगम कह सकते हैं, दिल्ली कह सकते हैं, कर्नाटका कह सकते हैं आप, ठीक है। और प्राणी जो है बिल्ली, और गुण या भाव है यहाँ प्रेम, ठीक है। अभी हम इन सब शब्दों को लेकर एक एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, एक एक वाक्य बनाएंगे। जैसे कि राम ने आम खाया, ठीक है, राम ने आम खाया। दूसरा वाला है क्या है, मेज, मेज पर
कलम रखा है, मेज पर कलम रखा है। ठीक है, यहाँ पे राम नाम है और मेज यहाँ पे वस्तु है और कलम भी यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, तीसरा वाला है मेरी मेरी बिल्ली काली है। यहाँ पे मेरी बिल्ली काली है, यहाँ पे बिल्ली जो है वह प्राणी है। ठीक है, दादाजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, ये हो गए। यहाँ पे दादाजी मुझे बहुत प्रेम, यहाँ पे भाव हो गए या गुण हो गए। अभी जो है पांचवा वाला है, यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने आगरा में घर लिया है। मैंने आगरा में घर लिया है। तो यहाँ पे ये हो गया संज्ञा। संज्ञा संज्ञा का उदाहरण यानी कि किसी व्यक्ति पर्टिकुलर, आप जैसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इसे नाउ। ठीक है, नाउ किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी को दूषित, सॉरी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी या गुण भाव को सूचित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने बताया कि राम, टेबल, कलम, बिल्ली, आगरा, प्रेम और एक्सेट्रा। ठीक है, आदि। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया कि राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, राम इट्स मैंगो। ठीक है, इसके बाद मेज पर कलम रखा है। ठीक है, मेज पर कलम रखा है, ठीक है, टेबल पर कलम पेन रखा है। मेरी बिल्ली काली है, मेरी बिल्ली यानी कि मेरी यानी कि माय सेल्फ, मेरा, माय, मेरी बिल्ली काली है। बिल्ली मीन्स कैट, काली मीन्स ब्लैक, आई हैव ब्लैक कैट, यू कैन से लाइक दिस। दादाजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर मुझे बहुत प्रेम यानी कि लव करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आगरा में घर लिया है। मैंने आगरा में घर लिया है मतलब मैंने जो आगरा जो है वो गांव है, वहां पे एक मैंने घर लिया है। यहाँ ये हो गया। अभी आपको क्या करें, अभी अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा तो हो गया, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार और प्रकार में भी कौन से कितने प्रकार है, संज्ञा में भी कितने प्रकार है और उन प्रकारों के लिए हमें पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए हम अगले क्लास में पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तब तक के लिए आप ये रिवाइज करते रहेंगे। धन्यवाद।